अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम, लाइफ ग्रीन है, मेरे साथ है हरी भरी नादिया खान। वालेकुम आदाब, रमजान मुबारक। जिस दिन तुम ग्रीन पहन के आती हो ना, उस दिन मुझे एक क्यू मिल जाता है, हरी भरी कह देते। हरी भरी मत कहो, हरी इज फाइन। तो इतनी भरी भी कमीज है? तो हाँ, कमीज भरी भी है, मैं ठीक हूँ, मैंने वेट कम किया, मुझे लग रहा है मैं कमजोर हो गई हूँ। रोजे रख के ही होता है, अगर आप सही खा रहे हो, यहाँ तुम पूरे 30 रोजे तुमने यहाँ इफ्तार किया है, तो वो लिमिटेड था, तुम्हें वो चीजें नहीं मिली जो तुम घर पे होती तो तुम पूरे पकौड़ों की एक वो रखती। हाँ, वो भी यहाँ मैं शर्म हमारे थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ। और दूसरा मुझे जान कहता है मम्मा बहुत वीक लग रही है, मैंने कहा हाँ, कहता लगता है बहुत बर्न कर रही है कैलोरीज, मैं कहा नहीं बेटा जिम तो नहीं जा रही, कहता बोलती इतना है लगता है उसी से ही हो रहा होगा। बच्चे भी पहचान, बच्चा भी देखो क्लास ले रहा है मेरा बेटा ना, ऐसी कोई बात कह जाता है कि हैरान हो जाती हूँ। राधिया आज का ग्रीन थॉट क्या, आपने तो ग्रीन पहना भी हुआ है, खास थॉट निकाले आज। ग्रीन थॉट तो आज बड़े बड़े मजे का है, एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत छोटी हो गई, जिसकी औकात अब इतनी सी हो गई, बल्कि कुछ भी नहीं। क्या है वो? वो ये कि वादा खिलाफी, कमिटमेंट, जबान से जबान दे के फिर जाना। और ये पहले जमानों में होता था कि लोगों ने जुबान दे दी किसी काम के लिए तो वो जान भी दे देते थे। अब ये एक ऐसा हो गया कि एक एक्सक्यूज बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई काम मिल रहा है और आपने उसको काम को लेने के लिए झूठा वादा कर लिया। फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हैं या आप घर में कोई काम करवा रहे हैं, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट, छोटा सा भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, तो उस वक्त तो उसको पता है कि मैं इस टाइम लाइन में पूरा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो ये कि एडवांस आ जाए, काम मुझे मिल जाए, वो झूठी कमिटमेंट आपसे कर लेते हैं, नहीं जी सर हो जाएगा, और जुबान दे दी। उसके बाद वही टाल मटोल, नहीं हो रहा, उसको पता है नहीं हो सकता था, तो ये छोटे लेवल की मिसकमिटमेंट है, जुबान दी आप फिर गए। तो ये छोटे लेवल की जो है ना, ये ऐसी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि ऐसा लगता है कि ये तो गुनाह है ही नहीं या ये गलती है ही नहीं, ये तो एक नॉर्म है, एक्सेप्टेबल चीज़ होगी। हम इतने बेहिस हो गए हैं कि अपनी जबान, अपनी ही जबान की हमने औकात और वैल्यू कर दी है खत्म, जीरो, मट्टी। और मुझे याद है कि खैर अगर आप हिस्ट्री भी पढ़े तो जबान पे वाकई जो मर्जी हो जाए, जबान से नहीं लोग फिरते थे, और वो जबान एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट होता था। अब आप देखें कि इतना बुरा हाल आ गया कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अब बनवाना है ना ऑफिशियल, तो छोड़े जबान को, उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। पहले अटेस्ट कराएं, फला जगह से अटेस्ट कराएं, अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फला, क्यों? क्योंकि हमने अपनी जबान गिरा दी। और दूसरा एक ये भी चीज़ होती है, अगर आप किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं, आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखने जाते हैं, तो अगला बंदा ऑफेंड भी हो जाता है कि यार आपको एतबार नहीं है मुझ पर, मेरी जबान पर आप लिखवा रहे हैं। हालांकि हमारे रिलीजन में भी है कि भाई जो भी काम करो, बिजनेस करो, उसको लिखत पढ़त कर लो। मैंने ये देखा है, क्या यही है ना कि बाद में जाके फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, लिखा हुआ होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट्स को ना लोग यही कहते हैं कि यार क्या जरूरत है, जब जबानी बात हो गई है तो बस जबान से बढ़ के कुछ नहीं, बात इतनी बड़ी करेंगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, नॉर्मल चीज है, उसके बाद ऐसे मुकरते हैं कि या अल्लाह। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आए तो फिर वो मुकर जाते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था, इसीलिए लिखवाया जाता है। आप भी जब भी कोई छोटे से छोटा काम करें, चाहे छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं, फॉर एग्जांपल छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, दोस्ती यारी में जब आप काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी चीज़ करने जाते हैं, तो उस वक्त दोस्ती आपकी अच्छी होती है जब भी आप काम स्टार्ट करने जाते हैं, लेकिन कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है तो मैंने बड़े बड़े जो लोग हैं उनको मुकरते हुए देखा है। तो पैसा ऐसी चीज़ है, चाहे छोटा अमाउंट हो चाहे बड़ा अमाउंट हो, सो हमेशा आपको लिखत पढ़त करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग तो मैंने देखा, एक बार बचपन में भी ऐसा वाकया था कि अब्बा किसी से बड़े खफा हो रहे थे और बड़े दुखी थे, मैं कब क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक प्रॉपर्टी का केस था, उसमें जो गवाह थे उन्होंने कुरान पे कसम खा के झूठ बोला। अब देखो लोग इसका भी लोगों को, फिर उसके बाद हाँ वकील ने फिर अब्बा से जब पूछा ना, अब्बा कहते हैं मैं इतने सकते में आ गया और मेरे हाथ ऐसे उस वक्त कांप रहे कि जब मुझसे पूछा हाँ जी, तो उन्होंने कहा कि मैं केस वापस ले रहा हूँ। अरे मैं इतना खौफ में आ गया कि इसके इस बंदे ने इतनी आसानी से झूठी कसम कुरान पे हाथ रख के रख दी, तो अब्बा ने कहा अब तो इसका इतना बुरा अंजाम होना है कि ये केस कुछ भी नहीं, तो अब्बा ने कहते मैंने केस ही वापस ले लिया था। और ये ठीक है छोड़े, मैंने आगे नहीं बताया। आप जब कोई इस तरह आप कॉन्ट्रैक्ट ना करें और कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, आप लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर आपसे सबसे पहला सवाल यही करता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस वक्त आप कहते हैं नहीं,
फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बात तो ये सही कह रहे हैं। उस वक्त शर्म आती है ना, उस वक्त क्या होता है कि सामने वाला बंदा शर्मिंदा हो जाता है। अच्छा वो लोग जिनसे आप मिले भी नहीं, अरे बाजी मैं आपको जबान दे रहा हूँ, आप मुझ पे भरोसा नहीं कर रही, मैं कहा आप है कौन, डू आई नो यू, कोई ऐसा मतलब हम जानते नहीं एक दूसरे का, मैं आप पे क्यों भरोसा करूँ। अच्छा दुबई जैसे मुल्क में ना इजाज इतनी सख्ती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, चेक अगर आपको आपने किसी को झूठा चेक दिया, बाउंस हो गया, जेल है, लेकिन फिर भी इतने लोग जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं करते हैं और उसके बाद पुलिस के पास जाते हैं कि जी देखिए इसने मेरे पैसे खा लिया ये वो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते और वो हैरान होते हैं। अच्छा ज्यादातर कौन ऐसे लोग बेवकूफ़ बनते हैं जो बाहर से आते हैं भाई, पाकिस्तानी जो बाहर वहाँ बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी नेशनैलिटी के लोग इधर आते हैं, ऐसे सांप बैठे होते हैं जो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है भाई जबान, और उनको मैंने इतने लोगों को लॉस होते हुए देखा है। तौबा, आदि तुम्हारे साथ हुआ कभी ऐसा? इतनी कन्विक्शन से तुम बोल रही हो। मैं इतनी पर्टिकुलर हूँ, मैं तो किसी का बिजनेस नहीं करती, मैं किसी को दूसरा उधार नहीं देती। नहीं, कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा जब भी तुम सवाए फयाज भाई के जो हमारे कुक हैं, मैंने कभी किसी को उधार नहीं दिया, मैं कहती हूँ ले लो वापस ना करो, उधार नहीं दूंगी। लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस पैसे कॉन्ट्रैक्ट का मैं बहुत पर्टिकुलर, मैं कॉन्ट्रैक्ट के बगैर मैं कहती हूँ काम ना करें, एम्बैरेसिंग सिचुएशन। ऐसे आपने किसी से बिगाड़नी हो, दोस्ती खराब करनी हो, किसी मुलाजिम से आपने कोई ताल्लुक खराब करना हो, उधार दे दो, उसके बाद वो ना नजर आएगा आपको, ना उसकी देने की नीयत होगी, तो ये तो मैंने तो बड़े ऐसे एक्सपीरियंस किए। तो असूल बना लिया, उधार भी लिया गया, ऑपरेशन कराने भी जा रहे हैं एक महीने के लिए, ना ऑपरेशन होता है ना उधार वापस मिलता है। तो ये जुबान का जो होता है ना पास रखना या बात अपनी बात रखना, वो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल आहिस्ता 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 वक्त के साथ खत्म, आगे जाके पता नहीं क्या। अच्छा और जी बेशर्मी की हद देखें, उस दिन एक हमारे जानने वाले कह रहे जी हमने इसका ना अभी बात कर रहे हैं फैसल से कि भाई मैं अपने ना नौकर को नौकर वाली बात से कि जी इसको ऑपरेशन करा रहा हूँ ड्राइवर का, तो एक खैराती हॉस्पिटल है उसमें बताना है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों को लेते हैं जो बाकी गरीब हो। तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाया, कहते हैं यार अभी जल्दी से अपनी फोटो खींच के बताओ जिसमें तुम बीमार लग रहे हो। सही, उसने कहा जी सर। उसने उसी वक्त कमरे में गया, तस्वीर भेजी, क्या जबरदस्त एक्टिंग करके ना ये वाली, और थोड़ी देर बाद वापस आ गए नॉर्मल, उन्होंने तस्वीर आगे फॉरवर्ड कर दी। फैसलो कह रही है, वो कह रहे फैसलो कह रहे ये तो ठीक है, तुम किसी का हक मार रहे हो ऐसे करके। तो एक तो इतना बीमार ही नहीं है, तो क्या तुमने उससे पैसे लेने किया, बट इट वाज जस्ट इन अ बैड टेस्ट। ये कैसे लोग मतलब शर्म नहीं, बाकी नहीं। और जो आदमी शरीफ होता है या जो थोड़ा सा लिहाजदार आदमी होता है, वो अगर किसी दोस्त के साथ कोई काम करने जा रहा है तो वो ज्यादा शर्माता है कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, उसको शर्म आ रही होती है कि भाई यार दोस्त है मेरा या कॉन्ट्रैक्ट। और जो शातिर आदमी होता है वो कहता है अरे क्या जरूरत है इसे। सो ये पहचान है, ये बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को समझे। कहते हैं शरीफ लोग हैं, हमने कोर्ट कचहरी नहीं करनी, आप जो है ना कोई वो ना करें, बिल्कुल लिहाज बुरी बात नहीं, इसमें कोई लिहाज ना करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट। आप ये समझे कि जो अभी आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं ना, कल को बहुत जलील होना है, रिश्ते खराब होंगे, शायद कोर्ट कचहरी तक बात जाए, पुलिस जाए, पुलिस ने आपको कोई हेल्प नहीं करनी, ये याद रखें। तो इसलिए अभी बेशक जलील हो जाए, अभी बिगाड़ लें, लेकिन सामने वाले से कहे लुक हियर, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर जबान की तो चल जाएगा कि अगर आप साइनिंग के ऊपर ही एक बंदा रेजिस्ट कर रहा है तो वो आगे जाके क्या करेगा। मुझे तो जब भी कोई कह देना अरे आप ही भरोसा करें, हम कह रहे हैं, मैं कहती हूँ अब तो आपने जरूर चूना लगाना है भाई, सॉरी जबान मैं नहीं मानती। नादिया आज हमारे जो गेस्ट हैं सेलिब्रिटी कपल हैं, दोनों एक्टर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, अच्छे अच्छे नए जो ड्रामे बन रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स का दोनों हिस्सा होते हैं। इससे पहले हमने दो सेलिब्रिटी कपल्स और बुलवाई, इस थोड़ा यंगर उसके अंदर है लॉट में, तो इनसे पूछेंगे, अभी शादी को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं, बड़ा सरप्राइज था जब इनकी शादी हुई, बट गुड सरप्राइज, सबको बड़ी खुशी हुई, फिर इनकी बड़ी रोमांटिक सी वीडियो भी आई ना गाड़ी के अंदर से बात कर रहे हैं, बड़ी क्यूट सी वो वीडियो थी, और बहुत प्यारा कपल है, कोई भी इनकी कोई पिक्चर वीडियो कुछ हो तो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तो आज हमारा शो भी बहुत उठने वाला है, बहुत ज्यादा रेटिंग आने वाली है, क्योंकि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कपल आज शो पे मौजूद है, माशाल्लाह यू विल बी सो एक्साइटेड एंड हैप्पी, बता रही हूँ मैं आपको, ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा, स्विच नहीं करना। वेलकम बैक, लाइफ ग्रीन है, हमारे साथ हमारे खूबसूरत गेस्ट बैठे हैं और हमें लग रहा है कि कल चांद रात होगी, क्या ख्याल है ना? मुझे तो लग रहा है कि जैसे आज ईद है, क्योंकि इतनी प्यारे गेस्ट आए हुए, माशाल्लाह मेरी बच्ची आ गई,
ना मेरी बच्ची आ गई अपने मियाँ के साथ। तो हमारे शो पे आज सुपरस्टार्स मौजूद हैं, बहुत मजा आएगा। आरिज अहमद एंड हिबा बुखारी जो मिस्टर एंड मिसेस भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक भी। नहीं ऐसे नहीं मिलो, से इतना मिलो। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। रमजान मुबारक, एडवांस में ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक, आप बताइए। हमारा तो बड़ा, नादिया इसलिए खड़ी होती है, नादिया को कपड़े भी दिखा लो। हाँ ये भी था, इतने प्यारे कपड़े दिखाने चाहिए, क्यों नहीं? इसीलिए बैठे बहुत तवील हमने वहीं से क्या भाई ईद मुबारक। देख रही हो ना, दो दफा स्लिप हुई हूँ उससे। अच्छा। आपको पता है, और बात है, दिल से दिल को भी राह होती है। हम लोग एक्चुअली वेरी क्लोज, हम लोग बड़े, हमने बड़ा अच्छा सा प्लेट साथ में किया है और बड़े प्यार से किया, तो इसलिए जरूरी था हमारे लिए मिलना। हाँ, हम जितनी बार मिले उतना कम। यूट्यूबिंग आपकी वजह से शुरू की थी, बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। टाइम काम है वैसे। हाँ, टाइम चाहिए, कंसिस्टेंट। मैंने कहा इतना सबको इंटरेस्ट है तुम्हारी लाइफ में। आदिया सुपर वुमन है। बिल्कुल। ये रोज आके बताती थी कि वो ऑन सेट एडिट भी कर रही है और इसने भी शुरू किया था। हाँ। लेकिन वो इट्स वेरी टाइम टेकिंग टू। फिर उसके बाद दोनों इतने बिजी हो गए माशाल्लाह। हमने, मैंने और हिबा ने काम किया एक अजीब से ड्रामे में। हिबा का तो बहुत अच्छा ड्रामा था, मैंने क्यों किया समझ नहीं आई। असल में उसमें 18 सीन थे जो मुझे उन्होंने जब साइन किया था, उन्होंने कहा जी आपके जवानी के हैं, बाकी मैं फुप्पो हूँ, 80 साल की कोई फुप्पो थी, अजीब सी सफेद बाल और ये, अच्छा वाइटनर भी नहीं था वो, मैं ऐसी कोई फोन में लगी थी तो वो मेकअप आर्टिस्ट ने पूरा वाइटनर लगा दिया और मैंने शीशा भी नहीं देखा उस ड्रामे में। पता चला कि मैं तो बूढ़ी बन गई, अब फंस गई। तो वो ड्रामा किया उसमें, ये मेरी बच्ची बनी हुई है, मैं फुप्पो बनी हुई हूँ और मेरे जितने जवानी के सीन्स थे ना आ रहे, शूट ही नहीं किए ना। पता क्या, जब साइन किया ना उसमें ये थे कि जी ये पुप्पो के सीन है, उसके बाद पुप्पो की जवानी के सीन है, कुछ नहीं हुए नहीं। और उसमें एक प्रॉब्लम ये थी, कवि साहब मेरे भाई बना दिए उन्होंने। अब वो शूट करे के यार इनको जवानी दिखाएं कैसे, कवि साहब के भी उन्हें मेकअप कैसे करें, काली की थी ना उनकी मूछें करें, वो कह रहे यार वो यंग नहीं बन पा रहे। मेरा ख्याल है जो आपका बारिश का सीक्वेंस था उसके बाद बनता नहीं था कोई जवानी के सीन शूट होना, वो बहुत था। हाँ, उन्होंने ये बहुत सारे जवानों को उसने साइड पे कर दिया था। बहुत बहुत आला। नहीं, उन्होंने कहा कि बारिश में ना आपका एक डांस सीक्वेंस भी है, आपका एक बहुत ड्रामे के अंदर, ड्रामे में। हाँ हाँ, मतलब एंड इट वाज अमेजिंग। अच्छा वैसे क्योंकि इन्होंने उसी वक्त सीखा, वो थोड़ा क्लासिकल था और बड़ा वो था, शी वाज वेरी एक्यूरेट अबाउट इट, बड़ा अच्छा सा किया, आई लव्ड इट। नादिया ये तो वही बात, बन के तो नहीं हुआ ना, बन के बारिश का डांस हुआ भाई, वही बात हो गई जो हम अभी कर रहे थे, मिस कमिटमेंट। Yes, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उसमें, बात फिर बस था, लेकिन अजीब, बट मैंने सबसे अच्छी चीज एंजॉय की, उन्होंने साइन नहीं किया था, बाकी कंपनी हमने एंजॉय की। वो रोजे ही चल रहे थे, नहीं रोजे थे, बिल्कुल थे, हमारी शादी के फौरन बाद का टाइम था और वो रमजान था। तो कैसे शुरू हुई ये मुलाकात, ये जर्नी, कैसे मिले तुम लोग, सेट पे मुलाकात हुई? ये तो बताया हमने, हम नहीं बता रहे, हमें बताओ। हमारी एक कहानी है वो मैं भूल गया हूँ जो हमने लोगों के लिए रखी हुई है। That's not fair. I tell you, I remember. क्यों बताऊँ? न्यू नहीं, मुलाकात तो सेट पे हुई थी हमारा जो ड्रामे का सेट। हाँ, लेकिन we were very fine. हम लोग कोई एक दूसरे से कोई से नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। पहली नजर की मोहब्बत मुझे तो हो गई थी। ऐसे सुन रहे हैं आप? मुझे भरपूर हो गई थी, इन्हें भी हो गई थी, मानी बहुत बाद में, लेकिन शर्मा रही है अभी भी वो। हाँ हाँ, अभी भी शर्मा। आप मुझे बताएं ना, पहली बार किसी से मुलाकात हो और उसके बाद आपको अभी तक याद हो, इज़हार तो बहुत बाद में किया। तो मोहब्बत हो जाती है, लेकिन शादी एक और चीज होती है, ये तो एक फील आती है यार, शी इज वेरी नाइस, मुझे से दोस्ती करनी है। एक वो आती है यार, इससे तो मैं शादी करूंगा, वो वाली आई, शी इज द वन वाली फील आ गई थी। आ गई थी वो, कैसे पता चलता है कि शी इज द वन? पता नहीं, लेकिन पता चल जाता है, एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे पता चल गया। लेकिन हम चूंकि भटका हुआ था मैं थोड़ा सा, तो मुझे वक्त लगा वापस। क्या मतलब, कहाँ पहुंच गए थे? भटका हुआ था ना मैं, भटकता 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 लड़क, इजहार हैदराबाद से तो शुरू हुआ था मामला सा। इजहार तुमने किया था पहले? इजहार मैंने किया था कि मैं, ये तो नहीं था उस वक्त किसी और का, कोई और था लाइफ में, बता देते कुछ ऐसे, देखो नहीं नहीं लगी है, बताओ ना, असल में क्या बता दो, आई एम फैमिली, क्या वेरी वेरी रोक रही है उसको, मैं नहीं रोक रही, वो कुछ और कह रहा है, आरिफ किसी और में इंटरेस्टेड थे, ये था कुछ चक्कर, किसी और के साथ कमिटेड थे, इंटरेस्टेड थे, कोई बात थी? मैं आई वाज कमिटेड टू माय वर्क, तो बहुत बहुत अपने काम के साथ मैं कमिटेड था, फिर जी मैं भरपूर, रिश्ता तो नहीं कोई फैमिली में हुआ था, मंगनी शंगनी? नहीं नहीं, फैमिली में तो कवर कर रहा है भाई, आप आए हैं मेरी, ये मुझे शिकायत भी रही और अच्छी बात भी है कि आप आए हैं, सारी सारी आपस हैं मेरी फैमिली में, वेरी नाइस, ऑलमोस्ट एवरीवन।
फिर हिबा तुम्हें किस मुझे लगता है कि मुझे आज कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज मेरा मेरी जबान जो है ना वो ये बोल रही है, बिकॉज मैं हमेशा किसी को बोलती हूँ ही इज़ रियली गुड एट लाइंग, ही इज़ लाइंग, तो सब कहते हैं नहीं नहीं वो कितना मासूम है, चुप रहता है, वो सच बोल रहा है, तुम ज़्यादा बोलती हो, तुम गलत बोल रही हो, बट यू राइट, थैंक गॉड आपने बताया। अगर मुझे इजाज़त, बहुत दुनिया देखी है, हाँ, बहुत गेस्ट, मैं इसमें वजाहत देना चाहूंगा कि वो करोड़ 50,000 इंटरव्यू कर चुकी हूँ, बिल्कुल पता है, लेकिन मुझे ऐसा फखर नहीं है इस बात पे कि मुझे झूठ बोलना आता है, और ये देन है एक, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये पकड़ा नहीं जाता के है, तो फिर मैं यूटिलाइज करूँ ना, क्यों मैं यूटिलाइज ना करूँ? आज थोड़ा सा झूठ हम कम बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, हम आज सच्ची सच्ची बातें करेंगे, सच्ची बात बताओ फिर, सच्ची बात ये कि मुझे तो होगी थी मोहब्बत पहली नजर में, और हैदराबाद का हमारा स्पेल था हफ्ते का, उसमें उसमें बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था स्पेल था हमारा, वहां कनेक्शन बना, फिर रिश्ता डाल दिया वहीं उसी दिन, नहीं नहीं रिश्ते में तो फिर 2-3 साल लगे, 2-3 साल कम से कम, कम से कम 2-3 साल से ज्यादा ही, इट्स लाइक अभी तो इतना टाइम लिया तुमने, हिबा सही नहीं लग रहा था, ये क्या था? नहीं मुझे ये सही नहीं लगा, एक आप काम करते हैं लोगों के साथ, एंड व्हेन आई एम वर्किंग आई एम वेरी इट्स, अब हम सबको पता, लाइक एन ऑडियंस दे थिंक कि हम बड़ा चिल कर रहे हैं, रिलैक्स है, सब एक दूसरे के साथ बहुत इजी हैं, खुश हैं, बट हमें पता होता है कि कितने सारे ऐसे लोग जिनके साथ आपकी बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन, बट ऑफ स्क्रीन यू डोंट लाइक देम एट ऑल, मे बी यू कैन नॉट इवन स्टैंड देम, अच्छा नहीं लगा, नहीं इट वॉज ही वॉज नाइस, अच्छा लगा, क्यूट था, सब सही था, बट देन ही वॉजंट, मैं रिलायबल नहीं था उस टाइम, देखो नादिया समझ आई, आजाद चल रहे थे, अब इसका कहने का मकसद है वो हर एक को एक ही नजर से देख रहा था, हर एक पे लाइन मार, अरे भाई सीधा बोलो, मुझे लगा कि लड़का बड़ा दिल फेंके इसलिए मैं इसको सीरियसली नहीं ले रही, सिंपल ठीक है, ओके समझ आई, फिर ऐसा हुआ कि दिल मेरा ठहर गया इन पर, मुझे अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े वायरल हो रही है वाली बात, ये बड़ा भंवरा आया है लड़का, अब भी नहीं है यकीन, तो भाई शक चल रहा है, शक चल रहा है, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, अब भी नहीं हूं मैं भाई, घर जाके फड्डा होगा, प्यारा प्रोमो बन रहा है, मैं जान दे दूं तो यकीन आ जाएगा शायद नहीं तो नहीं तो नहीं आएगा, मोहतरमा ये भंवरे जो होते हैं ठीक हो जाते हैं शादी के बाद, जिम्मेदारी नहीं ले सकते अल्लाह तवक्कल, सच बोलो यार, सच बोलो, अल्लाह तवक्कल, सच बोल रही हो, अल्लाह भंवरे बदल जाते हैं जिसके लिए बदलना हो भंवरे को, हां ये यू आर राइट, हां ये अच्छी बात, वैसे नहीं बदल, आप कुछ कर लें, कुछ कर लें, मतलब जो वो लड़कियां होती है ना टिपिकल कि नहीं मैं इसको बदल दूंगी, ये चेंज स्टूपिड बात, नहीं बदलेगा वो, बहन नेचर नहीं बदलती इंसान की, नहीं चलो अच्छी बात है, 20s में शौक पूरे कर लिए, जब ये 40s 50s में अटैक होता है ना लॉ माफी, अच्छा ये मेरा एक सवाल है माजरत के साथ, मुझे ये बताएं कि क्या ये अगर 20s में शौक पूरे हो जाए तो 40s में वापस अटैक होता है, या अगर हो गए हैं तो वो वापस 40s में नहीं होता, जब कोविड भी एक दफा हुआ है तो लोगों को दोबारा भी हुआ, ये डिपेंड करता है बीवी के ऊपर, बीवी के ऊपर बहुत डिपेंड, नहीं हाँ नहीं नहीं, आई हैव सीन बहुत अच्छी अच्छी बीवियां, बहुत अच्छे अच्छे घर, सब कुछ देखा है मैंने, बट व्हाई मेन आर ओनली टारगेटेड हियर, नहीं देखो ग्रास लुक्स, मतलब बहुत अच्छी अच्छी शौहर भी देखे ऑन दी अदर साइड, दोनों साइड की स्टोरी, लेकिन ज्यादा भाई ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो मर्द हजरात में पाई जाती है, प्रोबेबिलिटी इंसान की होती है, और अगर अगर जेंडर स्पेसिफाई नहीं करे आप, या शोबिज में हो तो फिर और टेंशन, जो बात है भाई है ना, ये मतलब बात लगा तुम उसकी, लेकिन मियां भी है उस पे थोड़ा काम करो, नहीं लेकिन अच्छा इसका भी फील्ड की कोई इसमें भी फील्ड का नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने देखे फारिग होते हैं, लेकिन ज्यादा ये भी है नजरों के सामने चल रही होती है गेम, यस मैं अब बल्कि अभी वो कुछ दिनों पहले ही मैं शूट कर रहा था ओशन मॉल में, तो किसी खवातीन के कपड़ों के स्टोर में हमारी शूट, तो मैं ऐसे सीन ये था कि मैं कपड़े दिखा रहा हूं जो मेरी उसमें बेगम है, तो दो खवातीन गुजरी, उनको पता नहीं था कि कैमरा पीछे लगा हुआ, तो वो मिली मुझसे बड़े अच्छे से, हिबा का पूछा, अब मैंने भी कहा कि कट हो जाएगा दोबारा कर लेंगे, मैं इनसे बात कर लूं, तो उन्होंने एकदम उस लड़की को देखा जो दूसरी एक्ट्रेस थी, और उन्होंने बोला वेयर इज योर वाइफ, मैंने कहा वो घर पे,
और उन्होंने बड़ी डिस्गस्टेड सी लुक दी मुझे कि ये वो घर में इतनी प्यारी लड़की और ये यहाँ लगा हुआ है। वो जाने लगी तो मैंने कहा दो मिनट, मैंने कहा वो कैमरा भी शूटिंग है, फिर उन्होंने स्माइल दी और फिर चली गई। तो मतलब हम तो सामने है ना, तो ये देखो कि हम सब ने इस पे नजर रखी हुई। जी जी जी, अच्छी बात, पूरी कॉम ने नजर रखी हुई है तुम्हारे सुहाग के फैंस कहते हैं कि आपने अगर इधर उधर आप गए तो मैं बहुत डरता हूँ उसके फैन से, इसकी फैन फॉलोइंग इज वेरी वेरी लॉयल, बड़े लॉयलिस्ट हैं वो, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी भी नजर मेरे पे है, आता है हर तरफ से, तुम जकड़े हुए हो। जी जी, कोई देखे ना देखे हम सब देखे। अभी तो अभी शादी नई नई हुई है और जिंदगी समझो शुरू हुई है अभी, लेकिन प्री मैरिज डेज जो थे वो जिंदगी कैसी थी, क्या रिलेशनशिप बहन भाइयों से, मियां अब्बा से, स्कूल के दोस्त, बचपन से आओ लोगों को ये बचपन थोड़ा सा शरारती था, थोड़ा सा जो लोग जान, थोड़ा सा शरारती क्या था, चीजें घंटी बजा के भाग जाती थी, बेल बजा के दरख्त पे चढ़ जाती थी। I have always been very possessive about my things. तो मुझे ये होता था कि जो चीज मेरी है वो मेरी है, ठीक है, और मैं सबसे छोटी भी हूँ तो मुझे होता था कि लौटी हो तुम, हाँ, तो मुझे ये सीधे जिद होती थी कि ये मेरी है, मतलब मैं अब मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, अभी भी तो ये मेरा अब आई हैव, खुश हो रहा हूं, नहीं मैं बताऊं, मैंने विद टाइम आई हैव इंप्रूव्ड दिस। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं किसी चीज के ऊपर ज्यादा उसके बारे में सोचती हूँ, इफ आई एम ऑब्सेस्ड विद इट तो वो कहीं ना कहीं वो चीज चली जाती है मेरे पास, या कहीं ना कहीं वो चीज मेरे अंदर खत्म होती जाती है अल्लाह की तरफ से कुछ। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई चीज मेरी होती है तो मैं उसको बड़ा आराम से रखती हूँ, इजी छोड़ देती हूँ, गो विद द फ्लो, हाँ, आई लेट इट बी विद द फ्लो, एंड आल्सो मैं उसको अल्लाह के ऊपर अल्लाह के हवाले कर देती हूँ। जैसे अभी ये भी बात कर रहे थे कि लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जिस वक्त अल्लाह ना करे कुछ होना होता है या कुछ बुरा होता है तो फिर कोई भी नहीं होता, फिर सब देख रहे हो, चीज सुन रहे हो तुम, चीज के बारे में बहुत चीज़। बात चीज की नहीं थी, बात तुम्हारी हो रही थी, हाँ, मतलब वही कह रहा था, अभी भी यही है ना कि जो मेरी है वो चीज़, चीज़ ये तुम्हारी बात कर रहे हैं, मैं चीज़ हो, मैं बहुत gladly इनका हूँ और इन्हीं का हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई शिकायत नहीं। अच्छा बस ये ठीक है, हम बचपन की बात कर रहे हैं तो अब और छोटे बचपन की, और छोटे बचपन मैं बच्चों को काट भी लेती थी अगर कोई मेरी खिलौनों के साथ खेलता था, ऐसे करके काट लेती थी, मैं बहुत काटती थी, मेरे सारे कजिन से मुझसे बहुत काटियां खाई हुई हैं, ऐसा कोई कजिन नहीं है जिसने मुझसे काटी नहीं खाई। अम्मा सख्ती नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं, वो जब बच्चे रोते तो अम्मा अब्बा बिल्कुल सख्ती नहीं करते, इसमें इतनी सी कोई सख्ती नहीं करते, ये नहीं है जब भी जो है वो एबा मेरा तो खून बहुत ही कड़वा है कसम से, तो मुझे तो मच्छर भी नहीं काटते, अब वो है इंजेक्शन लगाए में ना ऐसे मजे का नहीं है, वो तो हेपेटाइटिस वाले तो उसका खून कड़वा हो जाता है तो काटना नहीं, वो सिर्फ तब था, नहीं नहीं वो सिर्फ तब था कि जब मुझे होता था कि मेरी चीजों के साथ मत खेलो, मेरे रूम में मत आओ, यू नो स्टफ लाइक दैट, कि मतलब ये मेरी अम्मी है दूर हो जाओ या कुछ ऐसे, चेक कराओ अपने हाथ वाथ, दांत दिखाना नहीं कराना, तो मैं फुल स्लीव ये दांत, ये काटने वाले दांत हैं, दांतों से घड़ी भी बनाती थी तू हाथ पे, हां वो घड़ी बनती ना, हां वो भी बनाती थी, तो वो बनती होगी, वो बच्चों को पता होगा, वो रोते थे तो अब वो कहते थे कोई बात नहीं बच्ची ये काट लिया, बच्ची नहीं काटेगी तो बड़ी कौन काटेगा, सही बात है, हां ठीक है तो मतलब घर वाले साइड लेते थे, बचाते थे बहुत ज्यादा, हर हर गलत इख्तिताम शरारती घर वालों ने साथ ही दिया इसका। अच्छा एबा मुझे बताओ, माशाल्लाह शादी को कितने साल हो गए, ढाई साल हो जाते हैं ना, लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, बेबी व्हेन पूछे ना, बेबी व्हेन लोगों को हो रही है, आपके पूछ रही है, लोगों को होती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एजाज कह रहा था ये पूछ लेना अच्छा लोग वैसे कितना पूछते होंगे ना कि आपने बेबी का, मजे की बात मैं बताऊं कि फैमिली में से किसी ने नहीं कोई बात की, पीपल वी मीट एवरीवेयर एल्स है ना, वो मतलब अभी एक जगह पे खातून थी बड़ी क्यूट सी आंटी, वो अब खुशखबरी सुना रहे हो, हाँ नहीं नहीं कहती बच्चा हो गया, पहली बात बच्चा हो गया क्या, मैंने देखा यूट्यूब पे हो गया, हमारा असल में नहीं हुआ, यूट्यूब पे तो हमारे लातादाद औलादे हो गए, 6 महीने बाद बच्चा हो गया था मेरा, अच्छा और पिक्चर भी लगा दी थी बेबी, उन्होंने एडिट करके पता नहीं शायद समी भाई का मुंह उठा के मेरा लगाया उनके ड्रामे का, और पता नहीं उन्होंने क्यों कहा कि बड़ा शानदार इस्तकबाल किया, और इवन उन्होंने ये कहा था कि इसने अपनी सालियों को बहुत सारी वो भी दी है हीरे की अंगूठियां जवाहरात, मैंने सी गिव नथिंग, ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये बच्चा वगैरह तो बुशरा आपा के गोद में बच्चा दे के तस्वीर लगा दी थी, हमारे तो ये चलता है,
तुम्हारी फैमिली से कोई ऐसा कोई प्रेशर? वैसे घर में लोगों से बहुत है आसपास के, कि वो पूछते ही हैं कि फैमिली से प्रेशर नहीं है, बाहर के लोगों से प्रेशर है। फिर से पूछ रही है कि कब करो, क्योंकि जवाब नहीं दिया ना आपने, तो पूछ ही रही है। वैसे क्या सोचा है, मतलब फैमिली सोचा थोड़ी, जब जब सबसे अच्छा जवाब है जब अल्लाह को मंजूर इंशाल्लाह। होता है ना आप दोनों, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं भाई, दोनों काम कर रहे होते हैं मियां बीवी, फिर बकायदा प्लानिंग होती है कि भाई अब ये ब्रेक लेना पड़ेगा, स्पेशली जो बीवी है मदर बन गया है, तो मैं तो चाहूंगा कि ये मेरे ब्रेक ले और लल्ले की वालदादी से घूमो। वो एक क्लिप है ना वो किसी का, कि क्या मेरे लल्ले की अम्मी बनेगी, मैं तो चाहूंगा कि ये बने। कौन सी फिल्में देख रहे हो तुम? पुरानी कुछ VCR है तुम्हारे घर में? VCR था है ना? हाँ, हाँ, ये तो VCR की जनरेशन है ना, VCR वाली। कोई मतलब हेड खराब होता था तो कैसे साफ करते थे? उसको वो नेल पॉलिश रिमूवर से साफ होता था। बॉडी स्प्रे भी कर सकते थे, यस यस, चिपक भी जाती थी। अभी तो प्लानिंग करते भी हो, बहुत पुराना है, धोखा हुआ है तुम्हारे साथ यार। असली उम्र पता है मेरी? कितनी डिसाइड की थी? झूठ बोलने का मसला है कि पूछना पड़ता है, क्या बताया था? 32 ही है वैसे अभी तक। आप 26 हो ना? मैं 26 हूँ। हर एक में कुछ ना कुछ बुराई होती है, हिबा में है कुछ इसके मसले। जैसे शूट पे होती है तो इसको दूध पत्ती चाहिए, और ये अपनी गाड़ी में आती है सिर्फ इसलिए कि इसने बीच में से जाकर पीनी है, इसने समोसे खाने हैं, इसने हमारे लिए इतना फ्राई खाना लेके आना होता है और खिलाना होता है सबको। ये थोड़ा मसला, ये हाँ, बहुत वेरी प्रॉब्लम है। मैं हैरान, मैंने सुना लड़कियां तो ये सारी डाइट ये वो, ये इसके साथ खुद मजा नहीं आता जी खाने लेके आता है। हिब्बा के साथ मैंने काम किया, हिब्बा ने बिरयानियां निहारियां समोसे, ओए हाय, जो हम रोज पार्टी करते हैं, हम मुस्लिम ले आए कंबुचा, और ये खाती भी थी। इन्होंने बताया हमें एक चीज कंबुचा ले आओ, बहुत अच्छी होती है। Okay. अब पिया ना जाए, एक एक घूंट हमने पिया और वैसी पड़ी है फ्रिज में, वो खराब हो जाती है, वो खराब हो चुकी है, वो आप आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है वो फ्रिज के अंदर। मैं भी 1200 ऐसी चीजें ला चुकी हूँ, कभी नहीं यूज की, लेकिन आई लाइक द फैक्ट, मैंने कहा हिबा इज वेरी रियल एंड ऑर्गेनिक, ये लड़की शी एंजॉयज हर फूड, और ये नहीं कि बस ये नहीं वो नहीं, बस उंगना है ये नहीं खाना, माशाल्लाह। कल मैं जिम में था रात को 1 बजे, डेडिकेशन देखिए मेरी जिम में यहाँ चल रहा है ना, चेस्ट चल रहा है, और मैसेज आ रहा है कि यार मुझे पूछना नहीं चाहिए तुमसे ये सवाल, लेकिन पिज्जा खाओगे? मैंने कहा यार हाँ, दो मिनट हाँ खाऊंगा। I was honest, see, because I was ordering pizza. I was like, अभी जब तक आ जाएगा, तो मैंने पूछा, देखो, I shouldn't ask you, I'm really sorry, but will you have pizza? इसने कहा हाँ, I'll share with you. तो I was like, okay. वो अकेली भी खा सकती थी, फूड पे भी खा सकती थी, yes. इंतजार किया, yes. मियां के साथ खाऊंगी, लेकिन डाइट खराब और इस तरह की चीजें चलती हैं। नहीं नहीं, या प्री शहरी में? नहीं नहीं, शहरी में तो 1 बजे पिज्जा खाया, फिर शहरी भी की? नहीं नहीं नहीं, फिर शहरी में चाय पी ना सिर्फ, वो खा उससे पहले था। अच्छा, इफ्तारी पे क्या होता है, इफ्तारी पे क्या मेन्यू होता है? घर का खाना, घर में इफ्तारी, घर में इट कैन बी फ्रूट चाट, और वो जो चने वाली चाट होती है वो हो गई, समोसे पकौड़े, और जो कि ये और मेरी सिस्टर इन लॉ वो कहते हैं कि नहीं, समोसे पकोड़े नहीं बनेंगे, बल्कि वो आज ही कह रही थी कि जो समोसे हैं वो जो है हम एयर फ्राई में फ्राई करेंगे। वाह, हो सकता है, लेकिन वो बात है, उस एयर फ्राई का नाम मैं रखूंगा एजाज असलम। हाँ जी, हाँ, इनके ऑनर में सब डाइट मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो जो चीजें सिखाई है वो दही, एक नई किस्म की दही मुझे पता चली है, वो अब रिफ्रेशमेंट में आती है शाम में, वो मैं दही खाता हूं, ग्रीक योगर्ट खा रहे हो, घर आके पिज्जा खा लेते हैं, ग्रीक योगर्ट उसके बाद सबको लगा दिया मैंने। हिब्बा किसी को ज्यादा देर ना डाइट करने देती है ना खुद करेगी, बोर हो जाती है, ग्रीक योगर्ट के बाद पिज्जा खिलाती है मुझे, डिप्रेशन हो जाती है, सही बात है, होती है, हां बिल्कुल, मुझे तो होती है। यू ईट गुड फूड, आप अच्छे रहते हैं, देखिए अब, और आई बिलीव कि हर किसी का अपना अपना होता है, नो ऑफेंस, आई एम नॉट ऑफेंडेड, आई एम यूज्ड टू, यू नो, आई रिमेंबर, ये वापस आता है, मैं अच्छा खाना खाता हूं, सही खाता, दैट्स अमेजिंग, सी इफ इट, आपको खाने का मकसद होना पड़ता है ना, सिस्टम बन जाता है, हां एग्जैक्टली, खाने का मकसद ही यही है कि वो आपको तसल्ली भी दे, आपको वो खुश रखे, आपको यस खुश रखे, आपके लिए वो, यू फील गुड अबाउट इट, बिल्कुल। खाने में मैं फिटनेस के उस दर्जे पे पहुंचना चाहता हूं जब मैं ब्रोकली के कबाब बनाऊं। ओह, उसके ये लेके आए थे एक दिन, उसके लिए ब्रोकली कबाब ज्यादा, उन्होंने कहा खाओगे, मैंने कहा अभी नहीं, उसमें हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता खराब हो, ये बात है, रिश्ता सफर होगा, थोड़ा और डिसिप्लिन आने दे। उसके बाद ये मिले, कहने की क्या सिखा दिया आपने उसको, है ना, खाना आप में डाल दिया, उसके रोजाना के रोजाना कभी कहीं ग्लूटेन फ्री रोटी है, मैंने कहा ये क्या होता है,
कहता है ये मैं लेकर आया हूँ ये। हालांकि मैं खुद जब खा रहा होता हूँ सेट पे मैं किसी को नहीं बोलता कि भाई आप ये खाएं या ये करें। हमारी जो एक हमारी इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर नेसेसरी है कि हम अपनी डाइट का स्पेसिफिकली ध्यान रखें, ठीक है। और उसके लिए ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब माशाल्लाह यू सो फिट। एंड मैं इंडस्ट्री की उसकी वजह से नहीं करता, मुझे तो अपना एक शौक, अपनी खुशी, एग्जैक्टली अपने आप यू फील कंफर्टेबल विद हैविंग दैट फूड, राइट। हो सकता है शोबिज में नाम भी होता तब भी कर रहा होता। अब अगर ये शोबिज में नहीं होता तो ये अभी तक मतलब ये 3 बर्गर तो खाएगा। रोजाना थोड़ा थोड़ा खा लिया, आई नो कि मैंने कितना खाया, ये नहीं खाएगा, ये बिल्कुल नहीं खाएगा। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये जब खाएगा तो ये बहुत सारा खाएगा। तो आई एम लाइक यू नो यू सिलेक्ट योर फूड कि कितना किस तरीके से खाना है, बट तो इट्स अ लिटिल। अच्छा आप कितनी बर्गर तो 3 खा लेते, बिरयानी का क्या रिकॉर्ड है? डबल बिरयानी 2 रायतों के साथ। उसमें चिकन कितनी हो? बीफ हो। बीफ कितना हो, कितने किलो बीफ हो? बस मुनासिब हो, हर निवाले में बोटी तो आनी चाहिए। ये हर निवाले में, ये बचपन का किस्सा, बल्कि अम्मा मेरी ऐसे सुनाती है हर किसी को, जहाँ नहीं भी सुनाना होता एंबैरेस करने के लिए, कि जिस निवाले में बोटी नहीं आती थी ना, मैं कहता था ये कोई निवाला है, इसमें बोटी नहीं है, इसमें बोटी नहीं है, इसलिए मतलब अगर सेम अभी भी। और नान खैर से कितने हो जाएं? गिनती नहीं है नान रोटी हमारी, हमारे हमारी मैं बोटी के हिसाब लगाना चाह रही हूँ ना, किलो। अम्मी जान कहती थी कि कभी खाते हुए रोटी मत गिनो। वाह, तो हम रोटी नहीं गिनते, खा लेते जब तक पेट ना भरे। हाँ नहीं, पेट भरने वाला सिस्टम नहीं हमारी फैमिली में। तुमने तो कभी काउंट की होगी ना रोटी, ये तो नहीं देख रहा काउंट कर रहा, तुमने की होगी, तुमने शायद बनाई नहीं। नहीं, मैं बताती हूँ, शुरू हुआ ऐसे कि ही टोल्ड मी कि मैं क्योंकि ये पहले खाए, मैंने कहा अच्छा बंदा खाता है अपने हिसाब से खाता है, जब हो गया तो ये मुझसे नाराज हो गया, कहता तुमने मुझे रोका क्योंकि, मैंने कहा क्यों, कहता मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने कहा मुझे कैसे पता चल गया तुमने ज्यादा खा लिया, कहता बट यू शुड टेल मी ना तुम ज्यादा खा रहे हो, मैंने कहा अच्छा सही है। तो मतलब फिर उसके बाद आई ट्राइड के, हर किसी के पेट पे अपना एक रिंगर लगा हुआ है। जब पेट भर जाता है उसके ऊपर देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप अंडरस्टैंडिंग, देख रहे हैं आप, उसको पहले मना कर देती हूँ ना, मैं पहले मना कर देती हूँ। And I make sure कि अपने हिसाब से, जैसे मैंने कल भी कि when he feels like कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि he doesn't want to have, then I tell him don't, क्योंकि ये खाता रहता है, तो I tell him नहीं आप नहीं खाओ, आप मत खाएं, अभी नहीं खाना और नहीं खाना। लेकिन वैसे तुम्हारा मुझे लगता है कि तुम्हें टेंडेंसी है वेट गेन करती हो जल्दी और वेट लूज करती हो जल्दी, खाने की वजह से नहीं, स्ट्रेस की वजह से। हाँ क्या, लूज या गेन? गेन, if I'm in stress I gain weight because I eat a lot, I stress eat, matlab sahi wala gain, muh phool gaya, double chin nikla hai, wale nikla hai, aapko dekh ke lagta hai ye main nahi hu, ye koi aur hai, ye kuch, ye kaun hai, I don't like myself, wo ajeeb sa kuch ho jata hai, pata nahi wo stress mein mera muh bhi alag ho jata hai, and I gain a lot of weight, ab main khush hoti hu main jitna kha lu, isliye shaadi ke baad she has lost weight because she is happy। Haan ulta hai na, aap kiya maine, haan khush khush hai, to matlab हर कोई मुझे भी कह रहा होता है अरे बाने बड़ा वजन कम कर लिया, मैंने कहा खुश है ना। अभी ऐसा भी होता है अलग अलग काम कर रहे हो या अलग सेट पे, तुम अलग, फिर मिलना बड़ा मुश्किल होता है, सुबह इसका टाइम अलग है, तुम जा रहे हो, और कभी ये कि उसकी शूट ही ना हो, इसका शूट हो, इसकी शूट ना हो, उसकी शूट हो, मैं बहुत बहुत रोता हूं जब किसी एक की इवेंट शूट होती है और दूसरे की नहीं होती है ना, इवेंट शूट चलती लंबी, दूसरा फिर वेट ही करता रहता है कि यार अभी खत्म होगी तो अभी, अब ये साइमल्टेनियसली इवेंट शूट्स वो होते हैं जिसमें शादी, लोगों की ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, शादी का कोई इवेंट शूट हो रहा है तो उसमें बड़ी लेट हो जाते हैं, पूरी रात अक्सर लग जाती है। ऐसा सुन रहे हैं आप, सब लेट होते हैं? जी जी, मैं नहीं होती सब होते हैं, अभी कहते हैं ना बस इतनी लेट हो गया, ये कोई तरीका है? मेरे को 9 to 5 जॉब नहीं है ना, इवेंट है या कुछ इस तरह, सब लेट होते हैं। अच्छा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सेट की एनर्जी घर लेके आते हैं, अगर अच्छा सेट है तो आप अच्छी एनर्जी लेके आते हैं, अगर बुरा सेट है तो आप बुरी एनर्जी लेके आते हैं, तो अगले को फिर कैरी करनी पड़ती है वो एनर्जी के, यार थोड़ा सा बैठ के बात कर ली, चाय पे चले गए या कुछ कर लिया, अगर गंदा सेट हो बेगम चुड़ैल बन के वापस आ गई। साइमल्टेनियसली ये एक बार दो सेट्स पे थी, एक सेट से बहुत खुश आती थी कि यार अच्छा मजा आया, और वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दैट सेट कि यार मजा आया, इस तरह सीन किया, ये किया, डिस्कशन की, उसी पे आगे भाई वो लिख पड़ जाती थी, एक सेट से आके ऐसे मूड खराब होता था इसका कि यार अभी अभी तंग नहीं हो,
तब लड़ाई होती है उस टाइम नहीं नहीं बस मूड ऑफ हाँ इसके ये आके लड़ रहा था तो मुझे पता चल जाता कि अच्छा कुछ हुआ है ज़रूर कुछ हुआ है किसी ने फिर मैं आई डोंट आस्क हिम थोड़ी देर तक जब तक ये खुद नहीं बताया कि अच्छा ये हो गया या ये हुआ देन आई टेल हिम अच्छा हो जाता है एक सेट था जो हमारा बड़ा ही मुश्किल सा सेट था उधर से मैं आई तो भाई मैं बहुत ड्रेन थी ना इट्स लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद यू तुम्हारी आँखें ऐसी हो रही हैं तुम थकी हुई लग रही हो मैंने कहा सेट बहुत इट ड्रेन्स यू मैंने कहा वैसे ही स्क्रिप्ट भी मुश्किल है लेकिन ऐसे भी बहुत मुश्किल है जब अगले दिन इसका टाइम था उस दिन मेरी शूट नहीं थी उधर तो मैं इसको पिक करने गई ही केम बैक एंड ही वाज सिटिंग लाइक दिस मैं गाड़ी चला रही मैंने इसको यूँ देखा मैंने कहा ओके अभी यूँ ही बैठा हुआ है मैंने कहा तुम ठीक हो नहीं मैं ठीक नहीं हूँ चलो थोड़ी देर बाद जाएंगे हम घर लेट्स गो फॉर चाय लेट्स डू समथिंग एल्स चलो बताओ फिर क्या हुआ बिकॉज वो आपको आप कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स इतने आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं कुछ ऐसा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि वो बड़ा मुश्किल होता है उससे निकलना उससे बाहर निकलना तो तुम दोनों एक दूसरे के सेट पे जाते हो ऑफ टाइमिंग नहीं 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 जाते हम मैं जाके अगर मैं बाहर जाके वेट करती हूँ आई डोंट गो इनसाइड और इफ ही कम्स टू पिक मी अप सो ही स्टेज आउट या मतलब ये मुझे हम सरप्राइज करने बार बार मिल लेते हैं आप अच्छा मुझे बात रह गई कि जब ये इवेंट्स पे हो या कभी लेट शूट पे आए लेट कितना सुबह के 3-4 भी बज सकते हैं नहीं इतना लेट नहीं करती अभी कभी नहीं नहीं वो टैंट्रम है ना मेरा नहीं तुम इतना लेट नहीं रहती तो फिर अच्छा लेकिन जब थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाए 12-1 बजे फिर देन व्हाट डू यू डू फिर परेशानी में क्या करते हो कुछ नहीं कॉल वॉल करना बार बार किधर हो क्या नो नो पता होता है कि कहां है तो आई जस्ट वेट या कभी फिर चला गया मैं अगर तुम्हारी शूट है अगले दिन तो ऑब्वियसली फिर होता है कि बंदा जैसे अभी अभी ही पे शूटिंग भी है जैसे वो आ रहा था चांद नगर तो उसकी कुछ शूट्स वगैरह थी वो काफी लेट चल रही थी तो फिर ये होता था कि हम वेट कर लेते मैं वेट कर रही थी बाहर उसकी तो 10 बजे खत्म हो जाती थी वो आप वाले सीक्वेंस मैं भी था उसमें नहीं मैं इसको लोकेशन से पिक करती थी दरवाजे से वो लोकेशन तो खाली हो जाती थी नहीं कुछ दिन गई थी लेट तो होता ही यार आपकी को प्रोडक्शन है आपकी मतलब आपको पता होना चाहिए लेट जाती थी वो हाँ कुछ देर हुई है लेट ऐसा नहीं इसके अलावा घरेलू काम क्या करती हो जब घर पे होती हो तो घरेलू काम हाउसवाइफ वाले नाश्ता ही रोज बनाती है मेरे लिए नो मैटर व्हाट की इसकी शूट हो ना हो मेरा अर्ली कॉल टाइम भी हो तो उठती है नाश्ता बनाती है क्या बनाती है मैं यूजुअली अंडे ही खाता हूँ तो ये जब बहुत प्यार इसको आ रहा होता है तो ये ऑमलेट अंडे बना देती है ऑमलेट बनाती है 3-4 ऑमलेट और स्क्रैम्बल्ड एग्स ये एक पार्टी हो जाती है मेरी और बहुत अच्छे थोड़ी देर बाद खाना है कितने बजे तक फ्री होना है कब खाना है जिम के बाद जिम से पहले हम वो टाइम थोड़ा मैनेज कर लेते हैं अगर कभी बहुत भूख लग रही है तो पहले खा लेते हैं और अगर कभी नहीं लगी तो ये लगे चलो साथ में खा लेंगे आफ्टर द जिम वी विल हैव इट कुछ इस तरीके से हम मैनेज कर लेते हैं बट नाश्ता ये होता है कि हम साथ बैठ के देखते हैं इफ्तार भी अगर हम घर के पास शूट कर रहे हैं तो वी मेक श्योर कि हम इफ्तार घर पे कर रहे हैं क्योंकि सब बैठ के खाते हैं तो वो एक इफ्तार रमजान हम नारे का मजा ही वही है रमजान हमें लगता है इट्स अ फेस्टिवल ना अच्छा कुछ आप लोगों ने ना साथ भी कमर्शियल्स भी किए ड्रामे भी इन दोनों ने किए वो अच्छा है या अच्छा नहीं है मुझे तो अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है आपस की बात है बहुत अच्छा है आपको वक्त मिलता है आप एक दूसरे को और भी एक्सप्रेशन हो जाते हैं ये वो कॉन्शियस नहीं होता मैं तो वैसे सामने बहुत कॉन्शियस होती हूँ हालांकि हमने वैसे कोई ड्रामा किया नहीं साथ यूट्यूब वीडियोज ही करते हैं लेकिन मैं कभी कभी शर्मा जाती हूँ नहीं मैं शर्मा जाती हूँ सामने सीन कर रही हूँ और आप भाई वो कुछ सीन्स में ऐसे हम लोग हालांकि क्योंकि हम साथ काम करते हैं वी वर्क अभी भी वी वर्क वेरी प्रोफेशनली लेकिन कभी अचानक होता है लुक्स एट मी एंड आई एम लाइक कुछ करे और वो पता नहीं हमें भूख लग रही थी क्या हुआ था हमने सीन करे और सीन में हम बहुत हंस रहे और अचानक से कुछ हुआ कि हमारी उसी सीन में खड़े खड़े वहीं पे लड़ाई हो गई और वो कॉमेडी सीन था अब जब वो मास्टर से क्लोज में तो हम यूं थे यूज भी नहीं दे रहे थे एक दूसरे को क्या हुआ वो वाला अच्छा अरे आजकल जो रोल्स हैं लड़कों के लिए जो आते हैं वो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ ऐसी है दिल में ख्वाहिश कि ऐसा रोल मैं करूं
जो नहीं मिल रहा। फीलिंग से देखा कैसे पूछा है? बिल्कुल है और बहुत ज्यादा है। ये सवाल वो ग्रो भी करती रही। और तुम्हें लगता है कि अभी इस तरह के रोल लड़कों के लिए बड़े कम आते हैं जिसमें आप यू नो आउटस्टैंडिंग चीज लड़कों के लिए लड़कियों के लिए होते हैं। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल। और लड़कियों की ये कंप्लेंट होती है हिबा, तुम शायद एग्री करो कि वो कहती हैं हमें रोने धोने वाले ही रोल मिल रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफरेंट चीज करने को नहीं मिल रही होती। दाजवी स्क्रीन तो मोनोटोनस है, उसमें तो किसी को भी कोई दो राय नहीं होगी। उसमें से आप थोड़ा सा अगर अच्छा कर जाए तो लोग बहुत प्रेज करते हैं। मुझे लगता है कि हम वी आर अ नेशन जो मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करने लगा, तो हम अगर थोड़ा सा भी बेहतर काम आता है ना तो उसको इतना सेलिब्रेट करते हैं कि यार क्या किया है, जबकि अगर आप एक थर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक इंतहाई मीडियोकर प्रोडक्ट। हाँ, ये हमें तो कुछ अर्से के बाद हम रियलाइज करते हैं कि यार ये तो बड़ी आम। हाँ, मतलब कुछ परफॉर्मेंसेज पे मुझे भी किसी ने बोला कि यार कमाल कर दिया, उस वक्त तो आपको लगता है कि आपने कमाल किया, लेकिन कुछ अर्सा बाद आप कहते हो यार कोई खास कमाल तो नहीं किया। जब आप बाहर की चीजें देखना शुरू करते हैं, फॉरेन सिनेमा देखते हैं, बाहर के ड्रामे देखते हैं, अब मैंने तो कंपेयर करना ही छोड़ दिया, नो पॉइंट कंपेयरिंग। लेकिन तो चल लगता है हमारे एक्टर्स भी ज़ॉम्बी बने ना घर के आए ऐसे। लेकिन एक्टर्स में भी तो बड़ा कंपटीशन है ना कि ये रोल उसको मिल गया, ये मुझे नहीं मिला। ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए एक अच्छा रोल सर्च करें और आपको वो मिल जाए और आप उस पर काम करें, क्योंकि बहुत जगह ये देखा गया है कि पीआर भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो भी चल रही होती है, तो ये कभी आपके जहन में आती है चीज़ कि ये हमारे यहाँ कमी है इस चीज़? ऑन एंड ऑफ आती है, लेकिन मेरे जहन का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो ये डिसाइड करती है तुम्हारी स्क्रीन? नहीं, ये मुझे बार बार ये यकीन दिलाती है कि तुमने अल्लाह तवक्कल ही शुरू किया है और अल्लाह तवक्कल ही चलेगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम बस माल में अगर आप 6 चीजें कर रहे हैं 2 अच्छी भी आ जाएंगी। हाँ, तो काम से मतलब रिलेटेड होता है गुस्सा चढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कि यार ये क्या, किस तरह के रोल हैं, कैसे ड्रामे में क्या करूं, यू फील यू आर ग्रोइंग, यू आर नॉट ग्रोइंग? आई थिंक आई एम ग्रोइंग। हां, ये तो मुझे सेटिस्फैक्शन है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। मैं फ्रस्ट्रेशन किस चीज, सिर्फ मेहनत करता हूं। फ्रस्ट्रेशन कभी-कभी इस चीज की होती है कि यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, आपके सबसे अच्छे काम पे कुछ 2 लाख व्यूज होते हैं कभी-कभार, जब आपको लगता है कि यार ये दिस विल क्लिक या ये वो काम है जो के जिसके लिए शायद मैं याद रखा जाऊंगा, वो नहीं, वो कोई देखता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे होता आपको है? होता है कि यार मैं फिर किसके लिए बना रहा हूँ अगर लोग ही नहीं देख रहे। मुझे पक्का था कि फुप्पो पे मुझे 18 अवार्ड मिलने, ईमान से मैं कहती थी ना सेट पे, इस पे तो मेरा अवार्ड पक्का, ब्रेक भी नहीं मिला। कहीं ना जाइएगा, शो बड़े ही मजे का चल रहा है, अभी और बहुत सारी बातें हैं, फिर हमने अफ्तारी भी बनानी है, साथ अफ्तारी भी करनी है, बट शॉर्ट ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग लाइव स्क्रीन। वेलकम बैक, लाइफ ग्रीन है, बातें चल रही थी हमारी, इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, ब्रेक ले लिया था हमने बीच में, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हिबा, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए जो रोल्स हैं उसके अंदर भी एक मोनोटनी आ गई है या कंपटीशन भी ज़्यादा बढ़ गया, लड़कियाँ बहुत आ गई हैं? नई नई किस चीज़ का कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन एक तो एक्टर्स के अंदर, आप ज़्यादा लोगों को कॉम्पिटिशन कह रहे हैं या क्राफ्ट की बेसिस पे कॉम्पिटिशन? क्राफ्ट की बेसिस, क्योंकि क्राफ्ट की बेसिस पे तो कॉम्पिटिशन नहीं आया, वो लोग बहुत आ गए। सही बात, मैं एक्टर्स की बेसिस पे कह रहा हूँ। जैसे एक रोल है, कोई एक अच्छा रोल आया लेकिन उसके करने वाले बहुत हैं, और समटाइम्स आपको ये फील होता है कि यार ये मेरा रोल था, मुझे करना चाहिए था, मैं डिजर्व करती थी, या ये, या आप नहीं भी करते थे तो आपको लगता है ये लड़की नहीं डिजर्व करती, ऐसा होता है? ऐसा आपको फील होता है कभी? मुझे तो ऐसा अक्सर लगता है कि ये कैरेक्टर अगर ये वाला एक्टर करता तो ज़्यादा बेहतर हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे किसी के लिए भी लग सकता है कि हाँ कि ऐसा ये इसके लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, हो जाता। बट आई थिंक अगेन सी, एक तो बाय नाउ आई नो कि एक तो प्रोडक्शन की चॉइस है, किसी भी सूरत प्रोडक्शन की चॉइस है, या अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। अवेलेबिलिटी का कम होता है क्योंकि अगर आपने करना है, आई हैव सीन कि अगर किसी ने मेरे साथ काम करना है तो वो एडजस्ट कर लेंगे, दिल में एक शो के वो डेट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए। इट्स नॉट ऑलवेज दिस, इट इज़ अबाउट द प्रोडक्शन प्रायोरिटी, इट्स अबाउट डायरेक्टर्स। किसी ज़माने में बड़ा वो होता था, लेकिन अब डायरेक्टर्स की भी इतनी कोई से नहीं रही, चैनल प्रोडक्शन। बट समटाइम्स सिर्फ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अवेलेबल भी होते हैं लेकिन ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, फिर आपकी आपको ये लगता है कि यार मैं भी इसके लिए अवेलेबल हूँ, आपसे भी बात चल रही है। मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं कह सकूंगी। मुझे कभी ऐसे लगता है कि अगेन प्रोडक्शन हाउस का होता है, हमारे यहाँ क्राइटेरिया ऑफ कास्टिंग इज डिफरेंट नाउ,
a lot of people come up to me and they tell me ki acha batao ki maine na mujhe join karna hai industry mein kaise karu mujhe samajh nahi aata hai na mujhe bhi nahi kabhi samajh aata kyunki main maine jaake audition diya tha sorry to cut you here yahi se shuru kar lena I honestly believe ki hum hamari generation wo aakhri generation hai jo audition ke through aayi yes exactly ab सोशल मीडिया फॉलोइंग पे है एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ऑडिशन का प्रोसेस तो आ जाएगा मैं नहीं बता सकता किसी को क्या टीआरपी दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज हमें ये पता चलता था मैसेजेस रोल आउट होते थे कि जी ऑडिशन फलाना फलाना जगह हो रहा है पहुंचो तो वहां 150 लोग आए होते थे ऑडिशन में एग्जैक्टली अब तो मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था एएनबी के अंदर ठीक है आई गेव माय ऑडिशन और उसके अंदर ये था कि अच्छा ये इधर होगा फिर जो मेरा पहला प्ले था वो मतलब वो ऑडिशन यहाँ पे भी एएनबी में भी हुआ था वो इंडिया भी मतलब उससे गया था इट वाज फॉर जी जिंदगी तो वो भी गया था बट देन व्हेन दे आस्क्ड मी लाइक मैं क्या बताऊँ इनको कि तुम्हारे इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं उससे तुम्हें मिलेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम प्रोडक्शन हाउसेस टेल मी कि बेटा तुम्हारे अगर इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स नहीं है तो तुम्हें कैसे कास्ट कर लें इसमें प्रेशर मिलता है हाँ उस वक्त कहा था इस पे काम करने और ये कांस्टेंट प्रेशर है और मुझे काहिबा तुम्हें पसंद हो या ना हो लेकिन तुम्हें अपने सोशल मीडिया पे काम करना है अब मतलब अब जो आ रहे हैं वो यही है कि अच्छा इसकी सोशल मीडिया पे इतने लोग फॉलोअर है उसको एक्टिंग आती है नहीं आती कोई बात नहीं फॉलोइंग है टिकटॉक वाला ले लो या किसी को ले लो अच्छी बात है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई वहाँ से आके दे हैव ग्रूम्ड एंड दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब और जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज में होता है यहाँ भी होता है कि दोस्तियों पे पीआर पे आपका एक कैंप सा बना होता है बस आप उसी के अंदर कास्टिंग कर रहे होते हैं बार बार लोग रिपीट कर रहे होते हैं अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों वो लोग बैठे हैं जो जिनकी सोशल लाइफ इंडस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा नहीं है जिस प्ले की ये बात कर रही हैं जिसमें हमारी पहली बार मुलाकात थी उसके 8 ऑडिशंस दिए थे मैंने बोली मानो के लिए और 9वें ऑडिशन पे भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था वो जिस एक्टर को उन्होंने सिलेक्ट किया उसके एटीट्यूड डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो ही कॉल्ड मी एट 11 एट नाइट यार कल से शूट शुरू हो रही है तो मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ मैंने कहा प्लीज तो अगले दिन से शूट शुरू हो गई हाँ एक स्मॉल फैक्टर है इसका पीआर वाला लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बगैर पीआर बगैर सोशलाइजिंग I take responsibility कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि जितने लोग बैठे हैं घर में ये सोच रहे हैं कि यार मैं एक्टर बनना है तो मुझे उनके लिए एग्जांपल बनना है कि यार आप बन सकते हैं exactly. Just have to show up at work. क्या बात आप बस रहें you have the talent, थोड़ा टाइम जरूर हिबा का तो टैलेंट जो डायलेक्ट ये बनाती है जिस डिफरेंट जबानों में ये बात करती है इतनी मजेदार मुझे उस दिन सुना रही कट्टे एक फिर दूसरा करेक्टर आया फिर तीसरा आया ये हिबा करके बताओ ना वो जरा वो बड़े मजे का था पता मैं भी ये 4-5 ड्रामे कर रही हूँ उसमें ऐसे बोल रही हूँ फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ फिर मैं ऐसे बोल रही हूँ वो हाँ ये कि आई वॉज शूटिंग फॉर मेरे हमनशीन और उसके अंदर मैं पठान बनी हुई थी तो मैं उसको हल्का सा मैंने पश्तों में किया मैंने कहा मैं वहाँ ये कर रही हूँ फिर जो इनके साथ करी थी उसमें मेरी 2 एजेस थी एक वो एज थी कि जिसके अंदर मेरी 30+ एज थी जिसमें मेरे 2 बच्चे हैं और एक वो एज थी कि जिसके अंदर आई एम 18 माई सेल्फ एक और था जिसमें एक और एक्सेंट वाली भी सराइकी था वो बाद में झोंक सरकार आया था वो ये दोनों ये सराइकी और ये पठान वाला ये बोल के बताओ बड़ा मजे का था नहीं साईं अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं तो मर जाऊंगी ना थोड़ा इट वाज वेरी स्वीट इट वाज वेरी लाइक दैट थोड़ा उसके ऊपर रख के बोला था वैसे जो आप कब वापस आएंगे वो तो उसको यही बोल ड्रामे में टेंशन थी वापस कब आएंगे आप हां क्यों जा रहे हैं क्यों छापे पे जा रहे हैं आप हैं आपको कुछ हो गया बहन में मर भी गया सब मर गए ओ माय गॉड इतनी बुरी एंडिंग लेकिन चलो खैर छोड़ो क्या ड्रामा नहीं हो रहा लेकिन समर गए अच्छा तुम भी मर गई थी ना उसमें बेस्ट था कैसा लगा अच्छा अच्छा वो बहुत पहले गोली तुम्हें ही लगी थी मेरा सबसे पहले गोली मुझे लगी थी पहला मैंने एंडिंग देखी फ्यूं 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 मैंने भी ना एक दफा एक ऐसा ड्रामा किया सीरियस ड्रामा बड़ी कास्ट आसिफ जमीर मैं और बड़े बड़े एक्टर्स उसमें उसका एंड का सीन क्या था एक ऑफिस के कमरे में आते हैं हमें भी नहीं पता था ऑफिस के कमरे में झगड़ा होता है एक गन निकालता है दूसरे सारा पूरी कास्ट पर जाती है मैंने कहा ये क्या भाई आपका आपका पैकअप हो गया है आप लोग जा सकते हैं आप दोनों रुके आप सोलोज ले लो वही रहे वही रहे कंटिन्यू सब हैरान हो गए कि ये क्या हुआ एग्जैक्टली और वो ही इसके ड्रामे में हुआ इतनी हाइप इतने जो कहते हैं ना बहादुर इंस्पेक्टर समर गए अच्छा मैं इमोशनल हो ही रहा था तो सब मर गए एक साथ मैं जी नहीं लगा ये क्या हुआ बिकॉज इट वाज इनिशियली वो यही था कि हीरो हीरोइन ने मरना था ये तो था कि हीरो हीरोइन ने मरना है असल ही खत्म कर दी वो हीरो हीरोइन मुझे अपने कुछ ड्रामों की ना एंडिंग नहीं समझ आती हां बार दफा ड्रामा इतना अच्छा जा रहा होता है एंडिंग आपने इतना जबरदस्त हीरो बनाया स्मार्ट हमेशा उसके बाद प्लान बी होता है और पहली गोली से मर गए मतलब क्या यार अच्छा स्टाइल अच्छा था दूसरे वाला अच्छा वो पश्तो वाला था मैं खजस्ता दिलावर खान हूँ मैं पहाड़ों की बेटी हूँ
शादी का टाइम चल रहा था और मैं सेट पे होती थी एंड आई रिमेम्बर सबसे मुश्किल सीन चल रहा है कि मैं ऐसे इनको बोल रही हूँ कि अगर आप किया ना मैं ऐसे और अचानक से मुझे ना फोन आया कि नहीं नहीं कोलमा मत रखो बिरयानी कोलमा नहीं चिकन का कोई और सालन चिकन जिंजर रख लो एंड मेरा डायरेक्टर अली फजल में लाइक दिस कहता है हिबा मुझे तुम्हारी शादी का सारा मेन्यू पता है मैंने कहा ओके ठीक है तो मुझे प्लीज़ काम करने दें बिकॉज आई वॉज इन सवात एंड आई वॉज मैनेजिंग माई पूरा खाने का वो सारी चीज़ें अब जब शुरू हुआ तो मैंने इसको कहा मैंने कहा ये तो मैंने गलत कैरेक्टर कर लिया मैंने कहा मैं अच्छा कर रही थी वो जो एक ही कर रही थी ना कैरेक्टर मैं करती रहती ये मैंने क्यों कर लिया इस लाइक देखो यू देयर यू हैव गॉट एन अ चांस टू यू नो जस्ट प्रूव योर सेल्फ कि वरना जैसे अभी आपने बात की एक ही जैसे मिलते रहते हैं कैरेक्टर्स तो तुम्हें मिला है तो इसको करो तुम एंजॉय करो अच्छा शादी में कुछ था आप लोगों की अजीब सी एंट्री या कोई फड्डा या कोई अजीब चीज हो शादी कैसी एक चीज थोड़ी सी हमारी ऑफ हो गई थी वो ये था कि जो हमारा रुखसती और वलीमा हमने एक साथ ही किया था तो वो जो वो थी रुखसती वाला उसके अंदर हम पहुंचे और मेरी तबीयत बहुत खराब थी निकाह में इनकी तबीयत खराब थी और रुखसती में मेरी तबीयत खराब थी आई हैड आई थिंक 102 or 103 बुखार मुझे बहुत था और मेरा जो 1 बजे का अपॉइंटमेंट था पॉलर पे वो मैं 5 बजे पहुंची थी 6 बजे मैं तैयार होकर निकल रही थी कि अच्छा अब मैंने 7 बजे तक वहाँ पहुंचना है लोकेशन पे और हमने कोई फ़ोटो शूट नहीं कराया और एवरीथिंग वाज आउट ऑफ इट प्लेस और मैं अब यूँ पहुंची हूँ और मैं ऐसे चल रही हूँ हम जब पहुंचे तो हमारा स्टेज उसने जिसने हमारा डिज़ाइन वगैरह करना था उन्होंने नहीं लगाया स्टेज की जो ब्रीफ थी वो बिल्कुल अलग उन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे कारपेट बिछा दिया एंड वी वर लाइक आई वाज लाइक ये तो जगह ही नहीं है ये वो फ्लावर्स ही नहीं है ये तो है ही नहीं हमारा स्टेज का तो हम लोगों के बीच में बैठे हुए थे तो हमारा ये नथिंग हमारा फलसफा ये था कि शादी सिंपल करेंगे लेकिन इतनी भी नहीं करेंगे कि स्टेज ही ना हो मतलब स्टेज तो दो यार नहीं भाई उससे ज्यादा खौफनाक ये है कि फोटो शूट नहीं हुआ यहाँ तो लोग सुबह जाके पहले फोटो शूट कराते हैं इधर उधर फिर वापस आते हैं वेन्यू पे कुछ भी नहीं वो मतलब मेरे हालांकि इतना अच्छा ड्रेस था सब बेशक हम लोग बहुत केयरलेस थे इजी घूम रहे थे वो हमारी पिक्चर्स बना रहा था एंड ही वाज कैप्चरिंग द बेस्ट एंडेड मोमेंट्स बहुत अच्छा ईद की तैयारी हो गई है ईद की तैयारी अभी नहीं नहीं हुई अभी टाइम ही नहीं मिला तो हिबा मेहंदी के ठप्पे ही लगेंगे अब तो इफ्तार के बाद चलते हैं मेहंदी के ठप्पे लगेंगे और पीआर में ड्रेस इतनी जल्दी आना भी बड़ा मुश्किल है ये आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे हां ये पीआर पे ही चलेगा शॉपिंग मुश्किल है पीआर में मुझे वैसे बड़ा पीआर में वो आएंगे सेंट्स आएंगे इस बार मेरे दोस्त हैं इजाज असलम अभी आएंगे अभी 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 अरे इतनी जल्दी हां बियर्ड दाढ़ी का ऑयल और सोच लेते यार बड़ा सोचो बड़ा चलो भाई इफ्तारी का टाइम होने वाला है का टाइम होने वाला आदिया लेके चलें इफ्तारी की तरफ जी 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 बिल्कुल जी जी चलते हैं आदिया इतनी फॉर्मल क्यों हो गई नहीं मैं तो क्यूट लग रहा है सही बताऊं उन्हें बहुत क्यूट लग रहा है तुम दोनों माशाल्लाह इट्स सच अ नाइस कपल माशाल्लाह हमेशा खुश रखे सो रिलैक्स फ्रेंड्स की तरह हैं कोई इनसिक्योरिटी नहीं कोई नेगेटिविटी नहीं पता मुझे वाइब आ जाती है मुझे बुखार चढ़ जाता है ना मुश्किल हो जाता है काम कभी होता है गेस्ट की भी जो है ना नेगेटिविटी मुझे आदिया ऐसी क्यूटनेस पिंपल होने शुरू हो जाते ब्रेक बनती है कुछ ऐसे गेस्ट ना पिंपल निकल आदिया हेलो हेलो नादिया इसी क्यूटनेस पे एक ब्रेक बन हाँ ले लो ब्रेक तो चलते हैं इफ्तार करते हैं बनाते हैं बल्कि उसके बाद फिर इफ्तार करेंगे आज ये बनाएंगे आज ये बना लें घर में तो नीक बना सकते हैं ना टाइम नहीं होता होगा इधर खाना बनाओ इधर भी बनाओ ब्रेक के बाद मिलते हैं लाइव ग्रीन है और इसमें बड़े मजे मजे के हमने जो है पूरे रमजान ये किचन है ये चिकन है ये चिकन है हो गया वाह तारीफ कर दो यू सो फनी बहुत मारता है ना बहुत जबरदस्त इस पे मुझे वो याद आया ये तो हमारी बातें हैं ऊपर से सर्जरी सर्जरी हो गया कोई आपने टांके वांके लगवाने हो बता दें अभी भाई रेडी हैं ओके ग्लव्स भी मैं हाथ धो के पहनता हूं सारी सहूलतें हमारे इस ये तो टू मच ही है कि ग्लव्स भी बाद में ना धो रहे उसके बाद क्या बात ग्लव्स भी धोता हूं और उससे पहले हाथ भी धोता हूं क्या बात है अच्छा चलें जी अब हम आते हैं शेफरा पे जो सही। मुझे बहुत मुनासिब लगती है जहाँ से बात करती हूँ तो कभी कभी कैसे लेकिन शेफरा बहुत अच्छी है माशाल्लाह क्या बना रही है बस हम बना रहे हैं आज कढ़ाई बना रहे हैं कश्मीरी स्टाइल में कढ़ाई बना रहे हैं जिसका नाम है रोगन जोश
जी ये बन रही है तो किसी कढ़ाई म्यूजिक बैंड का नाम लगा। हाँ बस यही समझ ले, यही समझ के खाएंगे, नाम सुन के ही खाएंगे ना। वैसे बोले कढ़ाई वही नॉर्मल सभी बनाते हैं, कुछ नाम अच्छा होना चाहिए ना, अट्रैक्शन वाला। तो वो मैं बना रही हूँ उसको, वो बनेगी मटन से, मटन की बना रही हूँ। चिकन क्यों रखा हुआ है? नहीं चिकन नहीं है, मटन है। और एजाज क्या बनाएंगे ना? एजाज क्या बना रहे हैं? हां लेमन एंड हनी चिकन, ये वाली खाऊंगा। लेमन एंड हनी, ये जो लोग सोचते हैं ना कि जी टिक्का इतनी बड़ी चिकन एयर फ्रायर में क्या बन सकती है, तो जी हाँ बिल्कुल बन सकती है। पता नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं अगर आज बन गई कमिट कर दूं ना बने। अगर ये आज बन गई तो कल से हर रोज एयर फ्रायर में बनेगा। बनेगी या नहीं आज पता चल जाए, आसान है। मैं आलू का पराठा बना लूंगा एयर फ्रायर में। चलो मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट करती हूं। तो पहले ये मैं गरम कर चुकी थी और अब मैं ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी। मैं बताऊंगा ऑयल वो अभी शुरू हो गए थे कि पराठा लो। 2 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल मैंने लिया, 2 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं लेंगे। और हम कढ़ाई में तो बहुत ज्यादा ऑयल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब मैं इसके अंदर मटन शामिल करूंगी जो मैंने पहले से बॉईल कर लिया था, क्योंकि टाइम लगता है ना। हाँ टाइम लगता है। बड़ा अच्छा किया आपने, मैं भी सीख रहा हूं आपसे। पहले से मैरिनेट बहुत अच्छा किया आपने। सही है, पानी नहीं था इसमें। ओके मैम तो पका के, और जब आप बॉईल करें ना इसकी यखनी, मैंने बनाई नहीं इसकी यखनी, आप संभाल के रखे क्योंकि हम यखनी इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज है मेरे पास फाइन चॉप मैंने की है, इसको ग्राइंड कर लिए, वो बहुत अच्छा होता है, आसानी से आपका मसाला तैयार हो जाता है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कुकिंग को बहुत आसान करें, आसानी से बनाएं। ये प्याज को बॉईल किए पहले? पहले बॉईल किया, थोड़ा सा बॉईल किया, गर्म पानी में ऐड कर दिया, इसको ग्राइंड कर लिया ताकि कलर इसका सही, कलर भी अच्छा रहे और ये जल्दी पक भी जाती है और आपको इसको पकाने में इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा टमाटो प्यूरी है मेरे पास, मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। प्यूरी कैसे बनाते हैं? प्यूरी बनाते हैं, आपने टमाटर को अच्छी तरह से धोकर और इसको हल्का सा पानी में इसको ब्लांच करके इसका छिलका हटा के इसको आप ग्राइंड कर लेंगे तो प्यूरी बन जाएगी आपके पास। ठीक है, उसको आप फ्रीज कर दें, रख दें इसको। कच्चे टमाटर को जब ग्राइंड करें क्या मसला है? कच्चे टमाटर को फिर छिलका दाना और पानी ज्यादा निकलने लगता है उसमें, थोड़ा सा आप इसको बॉइल कर लेंगे ना लेकिन इजीली में वो अच्छा गल भी तो जाता है वो, नहीं या नहीं क्या हो जाता है? सॉरी अच्छा गल भी जाता है गोश्त में भी थोड़ा टेस्ट। हाँ हाँ नहीं नहीं गल जाएगा ये, हमें प्यूरी बनाने का अगर टमाटर में ऐसे ही डालेंगे तो हमारा कुकिंग टाइम बढ़ जाता है, टमाटर गलेगा फिर टाइम लग जाएगा और रमजान में इतना टाइम नहीं होता। वैसे भी कुकिंग को बहुत आसान बनाना चाहिए, मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा इसमें मसाले बहुत ज्यादा डलते हैं लेकिन ये बनती बड़ी मजे की, आप जरूर बनाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट अब सीख रहे हैं ना, मैं आपसे सुनूंगी सारी रेसिपी। लिख रहा हूँ। अच्छा ये लाल मिर्च है, ये देगी लाल मिर्च है, इसका कलर तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा दिल खोल के डाल देंगे। 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च का। हाँ देगी, देगी बनता है ना, यही बनाते हैं। कितना ये शोहर है यार, ये सही से करो। इसमें गरम मसाला, गरम मसाला पाउडर, सीखे सीखे अभी पूछूंगी मैं आपसे। गरम मसाला पाउडर और इसके अंदर कुछ और ये नमक, नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हमारा जो मटन था वो पहले से मैंने बॉईल कर लिया था। और इसमें कुछ हमने साबित मसाले, ये हमारे पास बादियान के फूल है, इसके अलावा सौंफ है और ये लौंग है, ये ऐड करूंगी। सौंफ भी डालते कढ़ाई में, इस रेसिपी का हिस्सा है ये। कढ़ाई में सौंफ, बेलीफ जी बिल्कुल। देखिए अलग अलग रेसिपी होती है ना, अगर आप पहले से आप नहीं ना, देखिए ना आप आलू गोश्त बनाएंगे और कोरमा बनाएंगे कढ़ाई, तो फर्क तो होगा ना, एक जैसी चीजें तो नहीं होंगी उसके अंदर, फिर फर्क कैसे लगेगा? आलू गोश्त खिला दें फरा एक, सवाल ना करो, टेस्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको ईद वाले दिन खिला दूंगी कढ़ाई की ना। अब मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया, गोश्त है ये था, लेमन जूस, कलर कितना अच्छा है, लेमन जूस हमारी रोगन जोश का, रोगन जोश दिख नहीं रहा। नहीं हिबा, हिबा का भी बहुत प्यार है माशाल्लाह, नादी का भी बहुत प्यार है माशाल्लाह। अच्छा ये हरी मिर्च, हम दोनों ही रह गए, आप तो है ही प्यारे। हरी ब्लश कर रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं आप, दिल रखने के लिए। अच्छा दही शामिल करेंगे, हम क्या गलती करते हैं कि किसी भी सालन में बहुत ज्यादा दही डाल देते हैं, वो दही का ही टेस्ट आ रहा होता है, तो आप दही को सिर्फ कोरमे में ज्यादा ऐड किया करें, बाकी किसी सालन में इतना ना ऐड करें क्योंकि फिर वो दही दही हो जाता है। तो मैं इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून, मेरा तो मुझे तो अंदाजा है लेकिन आप टेबल स्पून से इसके अंदर ऐड कीजिएगा। उसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लूंगी, मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे और ये खुद ही बन जाएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं, अगर खुद ही काम करेगा, काम करेगा। और अगर आपका ध्यान इधर उधर है और पानी ज्यादा ड्राई हो जाता है तो मैंने यहाँ पर यखनी रखी हुई है, वो ऐड करें, अलग से पानी ना डाल, यखनी की चीज की इसी की, ये मटन बॉइल किया था ना, इधर उधर कहाँ, ये पॉइंट पॉइंट है।
ये हमारा काम है, बोलते भाई ये सामान लेके आ जाओ जरा, पता चला भूल गए। आपने तो कुछ और फ्राई करना था ना आपके लिए कुछ। कितनी देर ये होगा? बस थोड़ी देर में ये बन जाएगा, 5 मिनट ज्यादा टाइम। अच्छा बस बस 5 मिनट में, हाँ क्योंकि सारी चीजें पहले से पकी हुई थी, 5 मिनट बन जाएगा। सालन सही मुंह में प्याज तो नहीं आएगा कच कच? आपने इतने खाने खाए अफ्तार में, कभी कुछ हुआ है ऐसा? हुआ तो है, नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा भाई मैंने ये पहले से मैरिनेट किया हुआ था, मैं इसमें डाल देता हूँ और फिर बाद में मैं बताता हूँ क्या क्या डाल। अच्छा क्या डाल? ये ऑलरेडी हीटेड है एयर फ्रायर? हाँ ऑलरेडी। इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, इमेंसली डाइट कॉन्शियस ह्यूमन। गिफ्ट में ना इस दफा इसको यही देना है उसके पास भाई, एक और चाहिए, वो चाहिए, और बड़ा वाला दे दो, बड़े वाला, ये बड़े वाला ही है। कुछ हमारे घर में मशीनें होती कभी नहीं इस्तेमाल की, बस ले आते हैं। मैं रेसिपी बता दूं? सॉरी जी, बहुत बातें करती है रे बाप। शुक्र है आखिर में पता चल गया। भाई हमने चिकन ली, हमने लिए लेग पीस, तो लेग पीस जरा सॉफ्ट होता है और जरा नरम होता है, खाने में जल्दी बन भी जाता है। इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और पेपरिका, ये एक अलग हो गया। फिर हमने इसमें कुटी हुई मिर्च डाली, इसमें हमने थोड़ा सा हनी डाला, जिंजर गार्लिक लगाया, लेमन, लेमन जूस ये थोड़ा सा डाला, नहीं ये मेपल सिरप नहीं, सोया सॉस, सोया सॉस कर, तो 2 टेबलस्पून ये डाली, सॉल्ट डाला थोड़ी सी, 2 टेबलस्पून दही के डाले, तो हनी भी आ गया इसमें। फिर इसको मैरिनेट करके हम 45 मिनट्स तक छोड़ दें, 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं बस, और थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर दें, हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ किया, और थोड़ा सा आप ऑयल यूज़ करें और उसके बाद थोड़ी देर रख दें इसको मैरिनेट होने के लिए अबाउट 1 आवर, फिर आप सीधा एयर फ्रायर में रखें। That's nice. और अभी देखें खुशबू आ रही है, दोनों की खुशबुओं को इम्तिजाज हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा बहुत मजा आ रहा, बहुत भूख लग रही है। इफ्तार कब होगी यार? होने वाली होगी और साथ में होगी माशाल्लाह, आज क्या बात है, इफ्तार ही नहीं हो रही आज। और आपके लिए ये मैंने, आपने ये फ्राई करना है समोसों की कचोरियां, कचोरी, थैंक यू सो मच। ये समोसों के बहुत सारे फ्राइड आइटम है, बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप सी कबाब भी है, कचोरी भी है, नगेट्स भी है, जो हमने बहुत सारे ट्राई किए हैं, जो होता है ना घरों में अफ्तारी के टाइम, हाँ भाई कितने समोसे खाओगे, कितने खाओगे भैया बताओ, मेहमानों से भी पूछ रहे होते ना कितनी कचोरी बनाओ तुम्हारे लिए, तो हम इसमें कचोरी बनाएंगे। तो मेहमान बेचारे फिर बोलते नहीं, अरे रहने दें बस, मैं तो ऐसे एक जो है और फिर मन देते ना, और फिर उसके बाद हमारे किचन के काम को बहुत आसान नहीं कर दिया यार, मतलब ये सब सारी बहुत आसान, रमजान तो बाकी। ये कैसे कचोरी है? इसमें दाल है, कीमा है, चिकन का कीमा है, बहुत ही मजे का है। आप वैसे ये भी एयर फ्रायर में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, आप इसको बना सकते हैं, और अच्छा सा गर्म होना चाहिए, इंसान भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें। ये काट के गया without fat शवारमा लीन, जो लंबे वाला आया एयर फ्रायर बड़ा वाला, उसमें यूं करके घुसाया अंदर और फिर वो घूम डेडली हो गई इशू। बस ये हम इसको कचौड़ी को इसके अंदर डाल रहे हैं, अभी तो शवारमा बनके दिखाओ, चलो शाबाश शवारमा बनके दिखाओ, शाबाश प्यारी सी बिल्ली बनके दिखाओ, ये वो आप बन सकते हो गए दुनिया में। सारी फ्राई कर लो या रखनी है कुछ बचा के? क्यों बचानी है, किसके लिए बचानी है, हम बाद में खाएंगे, ये सब खत्म हो जाती है, अक्सर खा जाएगा। अच्छा नहीं तेरे मजे की है कि मैंने जब भी फ्राई किया गिन रहे होते हैं, दो खा लेंगे भाई हम दुल्हनिया, और वो उनकी दुल्हन ये अभी फ्राई हो जाएगा थोड़ी देर में बस। कितना काम आसान हो गया, आप कचोरियां कहाँ बनाने बैठेंगे, आप लेकर आए सब रोसों के बहुत सारी फ्राइड आइटम है, और अब इसको बनाए और हम देखते हैं हमारे रोगन जोश की तरफ, कलर कितना खूबसूरत आया है, क्या कलर है, जोश में आ गया एकदम, जोश में आ गया, इसको जोश ही तो देना था, तभी तो मैंने इसको खामोश करा के बिठा दिया, बस ही थोड़ी देर लगेगी, 2 से 3 मिनट और ये तैयार हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये झटपट कुकिंग। हाँ और एक और बड़ी मजे की बात है, चाय अफ्तारी के बाद मुझे तो चाहिए, सबको चाहिए, और 100% वो ऐसी मतलब शौकीन है चाय पीना, डब्बा मुझे दे देना बड़ा, नहीं डब्बा तो उनको मिलेगा जो चाय पीते हैं, आप चाय नहीं पीते आपको नहीं मिलेगा, मैं भी पीता हूं, सूरत ही है, लेकिन ये क्या मिलेगा, ये कैसे मिलेगा आपको, ये बड़ी मजे की चीज है। जब चाय हम घर में लेके आते हैं बॉक्स में, स्पेशली जब डाल रहे होते हैं उसके बाद उसको सही तरह से बंद करके नहीं रखते, तो उसकी खुशबू खराब हो जाती है, बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सही कंटेनर में डालें, और चाय को अचार या बेबी के दूध वाले जो डब्बों में किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं, अरे भाई वो चाय की तौहीन है, बिल्कुल किसी भी डब्बे में, खबरदार आपने चाय को ना अचार के उसमें डालना है बोतल में, और कौन सा
मैं देख रहा था कि कॉफी में भी नहीं डालना, इससे मैच किए तुमने आज कॉफी की बोतल में डाल दी। अरे क्या बात है, उसके अपना मुकाम है चाय का, जैसे कि वो जो चॉकलेट का डब्बा आता है उसमें हर घर में वो डब्बा होता है लेकिन उसके अंदर सुई धागा होता है। तो प्लीज देखिए रिस्पेक्ट, चाय आपको इतनी खुशी दे रही है तो आप भी चाय के लिए कुछ कीजिए, उसको उस जगह डालिए जो की उसकी सही जगह है, उसका कंटेनर खुशबू सही रहे। तुम तो समझ सकती हो ना चाय शौकीन, तो खुशबू सही रहे, रंग सही रहे, और ये कि वो भी तो कभी कभी कोई कीड़ा वीड़ा भी आ जाता है, मैं बहुत डरती हूँ। और खूबसूरत कितना लग रहा है किचन में, अगर रखेंगे तो कितना खूबसूरत लगता है ना। सवाल ये आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लिप्टन को दे रहा है। मैंने आज ही देखा, मैं चाय लेने गया था देखा, और अब ये कपड़े तुमने इससे मैच किए। जी जी, ये रमजान का गिफ्ट है आपका, बिल्कुल लिप्टन ने जो आपको गिफ्ट दिया है की ये जब आप चाय लेंगे अपनी फेवरेट उसके साथ आपको उसका कंटेनर फ्री मिलेगा। मैं तो कह रही हूँ और भी बहुत सारे ले लें क्योंकि चाय तो चलती रहती है, चाय तो चलती रखने नहीं चाहिए। लेंगे तीन चार, लेकिन चाय खत्म होने के बाद इसमें वही खूबसूरत बिस्किट डालेगा, कोई सुई धागे डालेगा, लाइट इसमें होंगे मसाले, इसको हिबा को गिफ्ट करते हैं। हिबा में सबसे ज्यादा चाय की शौकीन है, दिस इज फॉर यू, चाय मैं ले जा रही हूँ, डब्बा तुम रख लो। इट्स रियली नाइस, क्या आपका हो चुका है ये? बस हमारा तो हो चुका है ये, तो ये अब जो है प्याज भाई के हवाले हो जाएगा की अब से चाय की पत्ती सिर्फ इसमें। लवली गिफ्ट, थैंक यू लिप्टन, कभी रख सकते हैं नहीं। शूट पे ले जाने के लिए ऐसे मैंने बना के रखे हुए, माशाल्लाह मैंने पहले से बना के रखा, गर्मा गर्म है। लुक्स नाइस, डिफरेंट कचोरीज, मैंने ऐसी कचोरियां, यम, बहुत मजे, बहुत अच्छी है, बहुत मजे, डंपलिंग्स टाइप का। मुझे अच्छा लगता है कि जब एक बार फ्राई होगी ना तो तेल ही नहीं होता ऊपर, एकदम ड्राई हो जाता है। नहीं नहीं जी नहीं, ये अच्छी बनी है, ये अब्सॉर्ब नहीं करता ऐसे ऐसे ऐसे, मैं कह रहा हूं एयर फ्रायर में बना। हां हां वो भी एक ऑप्शन है, बट हमारे लिए वो ऑप्शन नहीं है, टेस्ट नहीं आता, नहीं आता यार वो। नहीं यार, एयर फ्रायर में बनाने का मसला ये होता है उसी वक्त खाएं आप, हां गरमा गरम, हां वरना वो फिर ना आप रख देते हैं फिर सॉगी हो जाते हैं, सर कड़कपन करारा बन, सॉसेजेस बनाए डबल लाते हैं एयर फ्रायर में, उसको 5 मिनट उसको सिर्फ निकालो, वो हैबतनाक ना अजीब सी हो जाती है सॉसेज, डरावनी नहीं आप खा सकते। मैंने एयर फ्रायर में बनाई थी, मैं गए मैंने तो ऐसे नहीं बनाई थी। हाँ हाँ, क्या बात है। तो हमारे मेन्यू जो है अफ्तारी में आज वी हैव सबरोसो की कचोरी, शेफरा की क्या थी ये, रोगन जोश, रोगन जोश, और इजाज ने बनाई लेमन हनी चिकन टंगड़ी, लेमन हनी चिकन, क्या बात है। और अब मैं चाहूंगी कि देखो भाई छोटों का काम होता है सर्व करना, टेबल से जाना, आ जाओ आजो आजो ये लेके जाओ, आजो आजो काम करो, शाबाश शाबाश काम करो, ये बार इस जबरदस्त, शाबाश, आइए आइए, ये बाकी के लिए सरप्राइज है, काम भी करवाएंगे, मैं गुड गर्ल गुड बॉय। जी तो अभी हम करने लगे हैं अफ्तारी, आप भी अब अफ्तारी कर लें, और बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच शेफरा, हम अफ्तारी कर रहे हैं अपने गेस्ट के साथ, आ जाओ चले चले।